स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, भावना भिन्नता हो तो ध्यान भावना भी करते जाना चाहिए। अभी ध्यान भावना क्यों करना है? हम अभी प्रवचन सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, कितने लोग अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, हाथ उठाइए। हाँ, और कितने बार हमारा मन बाहर बाहर जाता है, कितने बार? अरे अनेक बार, गिनती नहीं है। कितना भी ध्यान से सुनो फिर भी मन बाहर बाहर जाता ही है, जाना ही है, ये मन का स्वभाव है। इसलिए जब तक ये मन चंचल रहेगा ना, तब तक हम मन के पीछे पीछे ही रहेगा। और मन का स्वभाव जो है ना, एक मक्खी जैसा, मक्खी जहाँ जहाँ गंदी चीज रहता है ना, वहीं भिनभिनाता रहता है, वहीं जाता है। कितना भी अच्छे जगह पे नहीं, वो जहाँ गंदगी है, जहाँ वो कचरे का वो क्या बहुत ज़्यादा कचरे रहता है ना, ऐसे ऐसे जगह पे ही वो ज़्यादा रहता है। तो वैसे ही मन भी जहाँ अकुशल है, जहाँ पाप है, वहीं भागता है, गलत जगह पे ही भागता है। अभी एक सिंपल सी बात बोलो ना, यहाँ पे नया मूवी लगाया, सबको आओ, सब यहाँ के सारे लोग आओ, यहाँ नया मूवी बहुत बड़ा थिएटर करके दिखाने वाला है, बोलेंगे तो लोग खाना छोड़ छोड़ के देखने के लिए आएंगे। मगर प्रवचन होने वाला है, आओ, बोलेंगे तो गिने चुने लोग ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मन का स्वभाव है। इसलिए अच्छे मन पे, अच्छे जगह पे मन ज़्यादा नहीं जाते। इसलिए जब तक मन चंचल रहेगा ना, पुण्य करना बहुत ही मुश्किल है, न चाहते हुए भी अकुशल पाप होता रहता है। इसलिए ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, समाधि में लगाने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए, हमें साधना करना चाहिए। जब तक ध्यान नहीं बैठेंगे ना, ध्यान के विषय में आप पीएचडी भी कर लो, क्या कर लो, डॉक्टरेट, पीएचडी बोल रहा हूँ, पीएचडी भी कर लो, फिर भी आपका मन शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। उसके लिए ध्यान साधना करना ही पड़ेगा। तो ध्यान साधना किया तो मन एकाग्र होगा, समाधि होगा, और फिर अशुद्ध मन को परिशुद्ध कर पाएंगे। ध्यान से समाधि बढ़ेगा, समाधि से प्रज्ञा बढ़ेगा, प्रज्ञा से निर्वाण प्राप्ति होगा। इसलिए तथागत बुद्ध एकायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, अगर विशुद्ध होना है, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है, तो एक ही मार्ग है, ध्यान साधना। बिना ध्यान साधना किए आप लोग यकीन मानिए जिंदगी भर ये बिहार में आते रहे। मैं एक दो महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बरसावास 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी भर बिहार में आके एकदम ईमानदारी के साथ आप पूजा करो, ये ध्यान, ये वो परित्राण सुनो, पूजा करो, दान दो, शील पालन करो, मगर ध्यान साधना नहीं करेंगे तो निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे, दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? ध्यान नहीं बैठेंगे तो खुद को ही नहीं पहचानेंगे। अब खुद को नहीं पहचानेंगे तो हमें क्या करना चाहिए वही पता नहीं चलता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सारे दुनिया के लोग 6 वर्गों में बांट के रखा है, मतलब 6 प्रकार के लोग ही रहेगा जितने भी लोग हैं। या तो राग चरित्र, या तो द्वेष चरित्र, या तो मोह चरित्र, या तो श्रद्धा चरित्र, या तो बुद्धि चरित्र, या तो वितर्क चरित्र। अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने अपने चरित्र के हिसाब से ये 6 प्रकार के लोग हैं। ध्यान दीजिए हम कौन से में आता है। राग चरित्र बोले तो ज़्यादा लोभ होना, आसक्त होना, हर चीज़ आहा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा लोभ कैरेक्टर को राग चरित्र बोलते हैं। दूसरा है द्वेष चरित्र, हमेशा चिड़चिड़ा होना, हमेशा गुस्सा आना, छोटे छोटे चीज़ों में भी एकदम गुस्सा करना, ये द्वेष चरित्र। और एकदम अज्ञानता,
मूर्खता टाइप, जो भी बोला कुछ पता ही नहीं, ऐसा मोह चरित्र अज्ञानता। बुद्धि चरित्र, हर चीज बुद्धि से सोचते रहना, बुद्धि से सोचते रहना, ये बुद्धि चरित्र। और श्रद्धा चरित्र, हर चीज जो भी बोले साधु 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 करके स्वीकार करना। अरे तथागत बुद्ध ने कभी जो भी मैंने बोला आंख बंद करके स्वीकार करो ऐसा बोला है क्या? नहीं, बुद्ध कहते हैं मैंने, बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार मत करो, क्योंकि हम मनुष्य है, हम दास बनने के लिए बुद्धम शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, धम्मं शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, संघं शरणं गच्छामि नहीं कह रहे, हम मनुष्य है, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज अच्छे बुरे सोच सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है तो भी अच्छे से चिंतन मनन करके प्रज्ञा से जांच के अच्छा है तो पालन करो, अच्छा नहीं लगा तो उसको एक कोने में डालो। जो भी कहा साधु साधु करके स्वीकार करना, उसी मार्ग में भागना, ये नहीं है। श्रद्धा चरित्र वाले हर चीज को विश्वास करके बैठता है, हर चीज आंखें बंद करके भी विश्वास नहीं करना। वितर्क चरित्र वाले हमेशा तर्क वितर्क लगा के बैठता है, कुछ भी बोलो ये कैसा, ये क्यों, ये किस लिए, बारिश हो रहा है तो ऐसे कैसे बारिश हो रहा है, ये टाइम पे क्यों बारिश हो रहा है, रात को ही क्यों बारिश हो रहा है, दिन को तो नहीं हो रहा था, ये तो नहीं हो रहा, अनेक तर्क वितर्क लगा के बैठना, ये वितर्क चरित्र। और ये छह चरित्र में ही सारे लोग आता है, या तो राग चरित्र, या तो द्वेष चरित्र, या तो मोह चरित्र, या तो बुद्धि चरित्र, या तो श्रद्धा चरित्र, या तो वितर्क चरित्र। अभी बोलिए, हम ये छह चरित्र में कौन से चरित्र में हम खुद को पता है क्या? ऐसा नहीं कि छह के छह हम में नहीं रहेगा, सारे के सारे रहेगा, मगर एक चरित्र हम में ज्यादा रहेगा। कौन से चरित्र है पता है? वो ध्यान करने से ही पता होगा। इसलिए ध्यान करके अपना चरित्र ये है पता चला ना, तो फिर उस हिसाब से ध्यान साधना करके जल्दी मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जिसका ज्यादा लोभ है, राग चरित्र है, उसको अशुभ भावना करना चाहिए, उसको मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए। कोई रहता है ना, देखते ही आहा कितना अच्छा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो भी देखे अच्छा है अच्छा है। जो लड़का लड़की में भी एकदम अट्रैक्शन रखता है ना, अटैचमेंट, तो उन लोगों को अशुभ भावना करना चाहिए। जो शरीर के प्रति हम इतना आकर्षण रखते हैं ना, इतना ये तृष्णा रखते हैं, ये शरीर क्या है? ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर, दिखने में तो अच्छा है, मगर जब ये शरीर बीमार पड़ जाएंगे फिर कैसा दिखेगा? जब ये शरीर मर जाएंगे तब कैसा दिखेगा? मरने के बाद ये पंते जी मुझे पसंद है, मैं साथ में रखूंगा, रख पाएंगे क्या? अरे अरे अरे, थोड़ा दूर रखो या आइस में रखो, या दाह संस्कार करो, जल्दी जलाओ, खत्म करो। और एक दो दिन रखा तो शरीर के हर छेद से दुर्गंध बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे कहीं एक जगह भी नहीं जहां से सुगंध बहे, हर जगह से दुर्गंध फैलने लगेगा। और उसको और थोड़ा दिन रखे तो ये लास्ट में नीला नीला पर के सड़ना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा दिन रखे तो यही शरीर पे कीड़े लगना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा दिन रखे तो वही कीड़े, अपने शरीर से ही उत्पन्न हुआ कीड़ा, वही कीड़ा शरीर को खा खा के कुछ दिन बाद पे सिर्फ और सिर्फ हड्डी बचा रहेगा। ये तो सत्य है। फिर ऐसे शरीर में हम क्या आसक्तपन रखे, क्या राग चित्त रखे? इसलिए कहते हैं जैसे वो पॉलिथीन रहता है ना, प्लास्टिक के थैली, उसको अंदर खूब सारा दुर्गंध रख के एकदम टाइट, एयर टाइट करके उसको पैक किया, तो बाहर से पकड़ेंगे तो नरम नरम लगता है, मगर उसमें सीए जितना भी छेद हुआ ना, उससे दुर्गंध बहेगा कि सुगंध आएगा?
दुर्गंध ही आएगा। ये शरीर पे ऐसा ही है, बाहर से खूबसूरत, अंदर से देखे तो दुर्गंध ही दुर्गंध से भरा हुआ, अशुचि से भरा हुआ ये शरीर है। इसी तरह हर एक चरित्र को अनेक अनेक उपाय दिया हुआ है, अनेक अनेक मार्ग दिया हुआ है, अनेक अनेक ध्यान साधना दिया हुआ है। इसलिए ध्यान साधना बैठेंगे तो अपने आप को पहचान पाएंगे, ध्यान साधना बैठेंगे तो अपने आप को पहचान के अभी मुझे कौन से मार्ग में चलना चाहिए, कौन से मार्ग में चलेंगे तो दुखमुक्त हो पाएंगे वो भी बराबर पता चलेगा। ध्यान साधना बैठेंगे तो हमेशा सजग सचेत होके कहीं मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है, पीड़ा तो नहीं हो रहा है, ये भी बहुत अच्छे से देख पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, बाकी सब लोग करे गलत है, गलत कर रहे, और खुद करे तो गलत कर रहे तो भी अच्छा कर रहे, ऐसा ही लगता है ना। कोई अच्छा भी करे तो उसमें भी हम खोद निकालते हैं, मगर खुद बुरा भी करे तो उसको अच्छा कहने के लिए अनेक अनेक असत्य बोलते हैं, ये हमारी आदत है। इसलिए ध्यान साधना करेंगे तो खुद को जैसा है वैसा ही महसूस कर पाएंगे, जैसा है वैसा ही पता करेंगे, ठीक है गलत है क्या हुआ, गलत है पता चला तो कम से कम अच्छा बनने का प्रयास तो करेगा। हाँ गलत है फिर भी अच्छा है अच्छा है अच्छा है वही जपते रहेंगे तो वो कब अच्छा बनेगा, समझ गया क्या। जो पाप करता है वो तभी पाप से मुक्त हो सकता है जब वो महसूस करेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, पाप करके भी मैं तो धम्म कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ ऐसा सोचेंगे तो वो पाप से अलग होगा क्या, वो पाप छोड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए पाप को पाप समझो, क्या होता है हाँ, खुद ने गलत किया तो माफ़ी मांगो, आगे से मत करो, क्या होता है अच्छा ही होता है ना। हाँ तो उसके लिए भी ध्यान साधना करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, जितना कुशल कर्म करेंगे उतना सुख का गारंटी रहेगा, इतना जीवन में सुख और शांति मिलेगा। जितना हम पुण्य से धर्म से दूर 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 हो जाएंगे उतना सुख भी कम होता जाएगा, शांति भी कम होता जाएगा, फिर दुख बढ़ने लगेगा, फिर अशांति बढ़ने लगेगा, फिर याद करना कि पुण्य तो खूब कम हो गया, रिचार्ज करने का समय आ गया। जब हम मोबाइल चलाते हैं ना, दिन भर चलाते हैं, रात होते होते अरे इसका तो बैटरी खूब लो हो गया, अभी रिचार्ज करने का समय आ गया, रिचार्ज करते हैं ना, वैसा ही बार बार बारंबार याद रखना चाहिए जीवन में क्या हो रहा है, क्या खतरा है। अच्छा हो रहा है तो हम पुण्य कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो पुण्य करने का समय आ गया, तो पुण्य करो। चाहे बिहार में जाना हो, तम देशना सुनना हो, तम की चर्चा करना हो, अपने श्रद्धा से अच्छे जगह पे दान देना हो, सील को अच्छे से पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, जितना भी शरीर से अच्छा करके, वाणी से अच्छा करके, मन से अच्छा सोच के जितना हो सके उतना पुण्य करना चाहिए। और देखना पुण्य करते ही ऐसे रिचार्ज हो जाएगा कि जीवन में सुख भी आना शुरू होगा, शांति भी आना शुरू होगा। ये प्रकृति का ही नियम है। तम्मो हवे रखति ति धम्मचारी, तथागत बुद्ध कहते हैं तम्म करने वाले को तम्म ही रक्षा करता है। इसलिए जो भी तम्म करता है ना उसके जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत आए छोटे छोटे में खत्म हो जाता है, मगर जो तम्म नहीं करता ना छोटा सा मुसीबत आता है वो जीवन में बड़ा बड़ा बन जाता है। हमें पसंद है क्या ऐसा होना, नहीं। इसलिए जीवन में सुख चाहिए शांति चाहिए तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। जितना धम्म करेंगे जितना पुण्य करेंगे उतना ही जीवन में दुख से अलग हो पाएंगे, अशांति से अलग हो पाएंगे, और उससे अलग होना बोले तो जीवन में सुख भी आना शुरू हो जाएगा, शांति भी आना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, पैसे के साथ रहे, पैसे बिना रहे, कहीं भी रहे, आराम से जी पाएंगे,
संतोष के साथ जी पाएंगे। अगर पुण्य नहीं किया तो जीवन में अशांति दुख इतना पीछा लग के आता है, कितने भी पैसा आपके हाथ में हो, कितना भी गाड़ी बंगला आपके हाथ में हो, आप चैन से रह ही नहीं पाएंगे, पूरा बेचैन है, पूरा चिड़चिड़, ऐसा होता ही है, ये प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए तम करेंगे तो तम ही हमें रक्षा करता है, इसलिए जीवन में खूब तम करना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, तम करना चाहिए ना। हाँ, तो यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा तम कर सके, चाहे वर्षावास का उपलक्ष्य हो, चाहे संध्या का उपलक्ष्य हो, हमेशा कोई ना कोई उपलक्ष्य लेके खूब सारा पुण्य करना चाहिए, दान अपनी क्षमता से देते रहना चाहिए, शील पालन करते रहना चाहिए, ध्यान भावना करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना पुण्य करते रहना चाहिए। और जीवन में ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन में ऐसा पुण्य धम्म खूब खूब कर पाए, ऐसी कामना भी करते हैं, ऐसे आशीर्वाद भी देते हैं। फिर एक बार बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।